हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि टाइप टू से रिलेटेड है, जहां पर कल की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करा दिए थे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे उसको हम कंप्लीट करने वाले। तो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि कोई संख्या 221 से विभाजित करने पर 64 शेषफल देती है, यदि वह संख्या 13 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, ऐसी ट्रिक बता दूंगा ना, आप कभी भी ये सवाल देखोगे ना तो तुरंत आंसर मारोगे। जरा ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा क्या जाए, यदि वही संख्या 13 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। आपसे शेषफल पूछा जा रहा है ना, तो शेषफल से ही लेना देना है। पहले शेषफल कितना देता था, आप कहोगे 64, तो बस हमको यही वैल्यू मान लेनी है, मान लेना है कि यही हमारा नंबर है। अगर मैं इसको 13 से विभाजित करूंगा ना, तब शेषफल कितना मिलेगा, जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप मुझे तो 13 से काटोगे, 13 चौको कितना होता है, 52 होता है, 52 प्लस 12 कितना होता है, 64, यानी कि शेषफल हमको मिलने वाला बच्चा कितना, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे ना, तो आपका सिर्फ लेना देना किससे है, शेषफल से। बाकी संख्या क्या दी गई क्या नहीं दी गई ये सब आप भूल जाइए। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 36 से विभाजित करने पर 19 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 12 से विभाजित की जाए तो बच्चा शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, अभी मैंने तरीका बताया है ना क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, शेषफल से लेना देना है। शेषफल हमारा पहले कितना देता था, 19, बस यही हमको संख्या मान लेनी है। और बाद में क्या बोला जाए कि 12 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, तो इसी में 12 से भाग कर दो, 12 एकम 12 प्लस 7 कितना होता है, 19, यानी कि शेषफल जो होगा बच्चा वो हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही चुटकियों में उड़ाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 17 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 व 11 शेषफल देती हैं, यदि इन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। दोस्तों, जो ट्रिक सिखाई ना, बस वही हमको इंप्लीमेंट करनी है। क्या कह रहा है कि आप मुझे बताओ, 17 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना देती है, 13 और 11 देती है, इतनी बात समझ गए। अब क्या कह रहा है, यदि इन संख्याओं के योग को, यानी कि यहाँ पर बोला किया जाए योग, यानी कि योग बोला जाए ना, तब आपको 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, योग, यानी कि जो भी शेषफल होगा बच्चा वही हमको योग करना है, यानी कि जोड़ना है, 13 प्लस 11 पहले कर देना है। 13 प्लस 11 होता कितना, आप कहोगे बच्चा 24 होता है, ठीक है। आप मुझे बताओ, 17 से विभाजित किया जाए, अगर आप इसको 17 से विभाजित कर दोगे तो शेषफल कितना मिलेगा। आपको 17 एकम 17, यानी कि शेषफल कितना होगा, 7 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कंडीशन दीजिए ना, वही आपको कंडीशन शेषफल में लगानी है। यहाँ पर कभी कभार वर्ग भी हो सकता है, कभी कभार घन भी हो सकता है, तो आपको शेषफल का वर्ग करना है या शेषफल का घन करना है, फिर जाके आपको जो भी संख्या 17 से, यानी कि यहाँ पर कुछ भी संख्या होना जिससे विभाजित किया जाए, उसी से आप भाग देना, वही आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो n³ - n किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाजित होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको दिया क्या गया, यहाँ पर n जो है ना बच्चा, वो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि होल नंबर है, और होल नंबर आपको पता है बच्चा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको 0, 1, 2 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, वो बच्चा क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। आपको बताना ये है कि n³ - n जो है ना, वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाजित होगा। आपके सामने फंक्शन क्या दे रखा है, n³ - n। आप मुझे तो एक एक करके वैल्यू पुट कर दो ना, n की पहले अगर आप 0 रखोगे वैल्यू, तो 0 - 0 क्या देगा, आपको 0 देगा। आप देखो सभी संख्या विभाजित हो जाएंगी 0 से, इससे काम बनेगा नहीं। अब n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो 1³ - 1, यानी कि ये भी देखो 0 दे देगा, अभी भी काम नहीं बनेगा। आप मुझे तो n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 2³ कितना होता, 8, 8 में से अगर आप 2 घटाओगे कितना मिलेगा, 6। आप मुझे बताओ, क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाजित होगा। आप मुझे तो क्या 6 जो है 6 से विभाजित होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। 4 से विभाजित होगा, आप कहोगे नहीं होगा। 12 से विभाजित होगा, आप कहोगे नहीं होगा। 2 से विभाजित होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। 2 से विभाजित होगा,
लेकिन आप मुझे बताओ, दो से विभाजित हो रहा है, कन्फर्म बात है, तो यानी कि 6 और 2 में कौन बड़ी से बड़ी संख्या है? आप कहोगे बड़ी से बड़ी संख्या जो है बच्चा वो क्या है, 6 है। यानी कि एक तरीका और हो सकता है, आप कहोगे यन की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ तो 3 का क्यूब रख करोगे, 3 त्रिका 9 होती है 27, 27 में से 3 जाएगा बच्चा, कितना बचेगा? आप कहोगे 24 बचेगा। अब देखो 24 जो है ना बच्चा, वो 2 से भी होगा और 6 से भी होगा और 12 से भी होगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो जिससे सदैव विभाजित हो, आप मुझे तो सबसे बड़ी संख्या 6 अगर मान लेंगे ना, तो 6 एक ऐसा नंबर मिलता है जो n की वैल्यू आप कुछ भी पुट रखोगे ना तो वो हमेशा सदैव 6 से विभाजित होगी ही होगी। हालांकि है तो आंसर 2 भी, लेकिन 2 से बड़ा हमारा है क्या? आप कहोगे 6 है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसका राइट आंसर 12 भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 12 रखोगे, क्योंकि 6 से बड़ा 12 भी है, लेकिन 12 क्या कभी 6 से कटता है? आप मुझे तो 12 से अगर आप भाग करोगे तो देखो पूरा भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन कह क्या रहा, सदैव विभाजित होना चाहिए, समझ गए ना बात? तो 12 इसलिए नहीं होगा, और 2 हमारा छोटा है, 6 हमारा 2 से बड़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा बच्चा वो हमारा क्या होगा, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, किसी संख्या को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है, उसी संख्या के वर्ग को यदि 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? मैंने बोला कंडीशन सिर्फ आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर धन कह रहा है, वर्ग कह रहा है, घन कह रहा है, क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग को, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, शेषफल का वर्ग करना, शेषफल है कितना, 5, 5 का वर्ग करोगे बच्चा कितना आएगा? आपको 25 आएगा। आप कुछ नहीं, जिससे भाग करने को बोल रहा उससे भाग करके देख लो, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 छंग कितना होता है, 24 होता है, यानी कि 24+1 करोगे 25 होगा, यानी कि शेषफल जो होगा बच्चा इसमें कितना मिलने वाला, 1। 1 कहां दे रखा, आपको कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कुछ ही सेकंड में इस टाइप के सवाल को उड़ाओगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त होगी? आप मुझे तो 88 की डिविजिबिलिटी रूल आप तो जानते नहीं हो। आप जब जानते नहीं हो तो कुछ नहीं करना, इसके सिर्फ फैक्टर किया करो जो एक दूसरे में कॉमन ना हो, यानी कि 11 8 कितना होता है, 88। देखो 11 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, ऐसा नंबर जो 8 से डिवाइड हो और ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, तो बच्चा वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 88 से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ गए। अब आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है ऑप्शन में जो 11 से भी कटता और 8 से भी कटता। देखो बच्चा, 8 से कटने का नियम लास्ट के 3 डिजिट है ना, लास्ट के 3 डिजिट मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि सभी जो नंबर्स हैं वो 8 से कट रहे हैं। देखो 8 5 40 8 6 48 8 6 48 8 1 8, इसमें तो 8 तो कटेगा ही, ये भी देखो 8 कटेगा। इसका मतलब सीधा सीधा हमको चेक करना कि 11 की डिविजिबिलिटी, अब 11 की डिविजिबिलिटी होता क्या, आप मैंने बताया था कि ऑड प्लेसेस का सम माइनस का इवन प्लेसेस का जो सम है ना बच्चा, वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब सीधा सीधा बात, ऑप्शन उठा के चेक कर लेते हैं कौन हमारा 11 से कट रहा है। आप मुझे तो ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे पहले, क्या लिखा है, 3 6 0 4 4 और 8। अब मैं इसको चेक करता हूँ, देखो 8 4 कितना होता है, 12 12 6 कितना होता है, 18। ये ऑड प्लेसेस का सम हो गया। अब देखो इवन प्लेसेस का सम, 4 + 0 4 ही रहेगा, 4 3 कितना होगा, 7। इन दोनों का अंतर जो है बच्चा कितना आएगा, 18 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, आपको 11 आएगा। इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी बच्चा वो 11 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, यानी कि 88 से पूरी तरीके से विभाज होगी। आपकी किस्मत अच्छी है जो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको आंसर मिल गया। अगर आंसर ना मिलता तो हम ऑप्शन नंबर बी को, फिर सी को, फिर डी को चेक करते, ऐसे करते करते बढ़ते जाते, समझ रहे? आपको आंसर तो मिल ही जाता लेकिन समय आपका ज़्यादा बर्बाद होता। लेकिन इस सवाल में खास बात यह है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या आपको ये दे रखी है ना पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, 3 से कटने का नियम आपको मैंने बताया, अच्छी तरीके से समझाया। आपके सामने संख्या क्या लिखी बच्चा, आपको 7 1 5 स्टार
फोर के बाद में क्या है, टू है, फिर थ्री है। आप मुझे बताओ, यही तो संख्या है। आपको तीन से करने का नियम पता है, आपको कुछ नहीं करना, सभी नंबर्स को जोड़ना है। तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, नौ पाँच चौदह, चौदह एक पंद्रह, पंद्रह और सात कितना होता है आपको, गए बाईस होता है। आप मुझे तो बाईस में ऐसा मैं क्या जोड़ूंगा कि वो नंबर जो होगा वो हमारा तीन से कट जाएगा। आपको अगर तीन उठ चौबीस होता है, यानी कि बाईस प्लस दो करोगे, छोटे से छोटा मान यही तो हो सकता है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर सत्रह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर अठारह, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या आपको ये दे रखी है ना, पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। अब 9 से करने का नियम मैंने बताया, सेम नियम हमारा जो 3 का होता है वही हमारा 9 का होता है। आपके सामने संख्या क्या लिखी बच्चा, लिख लो ध्यान से, 6 star 8 7 4 और 2। आप कुछ नहीं, सम ऑफ डिजिट करना बस, 4 2 कितना 6, 6 7 13, 13 8 कितना होता है 21, 21 6 कितना होता है 27। आप मुझे तो 27 में ऐसा मैं क्या जोड़ूंगा कि संख्या जो होगी बच्चा वो हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप मुझे तो 27 में अगर आप 0 जोड़ दोगे तब भी 9 से कट जाएगा ना, 9 3 27 होता है। इसका मतलब छोटे से छोटा मान क्या होना चाहिए, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टार की जगह आप 0 रख दोगे तभी भी ये संख्या हमारी 9 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्या 6n² + 6n सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए सदैव किससे विभाजित होगा। आप मुझे तो आपसे बोला क्या गया, n जो है ना बच्चा वो हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपको 1 से स्टार्ट होते हैं। आपके सामने संख्या क्या दे रखी है, आपको 6n² + 6n, नेचुरल नंबर 1 2 3 इस टाइप के होते हैं ना बच्चा। आप मुझे तो आपके सामने ये दे रखा है, आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए सदैव किससे विभाजित होगा। आप मुझे तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे ना बच्चा, आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप सबसे पहले 6 कॉमन ले लीजिए। यहाँ लिखा क्या है, n² + n लिखा है, ठीक है। अब सदैव की बात कर रहा है ना, सदैव किससे विभाजित होगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 × 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12 हो जाएगा, यानी कि 12 आंसर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सदैव जो होगा किससे विभाजित होगा, आप कहोगे केवल 6 से विभाजित होगा, आप कहोगे ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखो, केवल 12 से विभाजित होगा, आप कहोगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 जो है ना नंबर, वो 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल 18 से कटेगा। 18 की तो सवाल ही नहीं है ना, 18 से कट जाता है क्या 12, नहीं कटता ना। आप मुझे तो केवल 12 कह नहीं सकते ना, केवल 12 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये नंबर जो हमारा 6 से भी कटता है। और केवल 6 क्यों कहेंगे, क्योंकि ये नंबर जो हमारा 12 से भी कटता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, सदैव जो किससे विभाजित होगा बच्चा, वो 6 से होगा तथा 12 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि आपके सामने एक नंबर दे रखा है ना, बोल रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है ना बच्चा वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है। आपके सामने जो नंबर दे रखा है वो क्या लिखा है, 7 9 1 7 0 8 1 और 0। क्या कह रहा है कि 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए किसकी कमी है। आप मुझे तो 11 से करने का नियम क्या, ऑड प्लेसेस का सम, 0 + 8 8 ही होगा, 8 7 15 15 9 कितना होता है आपको, बच्चा 24 होता है। माइनस का करेंगे, इवन प्लेसेस का सम, यानी कि 1 + 0 1 ही रहेगा, फिर 1 कितना हो जाएगा 2, 2 7 कितना हो जाएगा 9। आप मुझे तो 24 में से अगर आप बच्चा 9 घटाओगे ना, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 15 बचेगा। जाहिर सी बात है ना, 24 में से अगर आप 9 घटाओगे कितना बचेगा, आपको 15 बचेगा। इतनी बात समझ गए आप मुझे तो, 15 में ऐसा मैं क्या जोड़ूंगा कि वो नंबर जो होगा वो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। आप मुझे तो 15 में अगर आप 7 जोड़ दोगे, ऑप्शन में देखो 7 दे रखा ना, 15 7 कितना होता है 22 होता है, 11 का मल्टीपल होता है ना। 15 4 19 11 का मल्टीपल नहीं होगा, 15 6 21 11 का नहीं होगा, 15 9 24 ये भी 11 का नहीं होगा, 15 + 7 22 करोगे ना, ये 11 का मल्टीपल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला है, क्या जोड़ा जाए, यानी कि 7 जोड़ दोगे ना बच्चा इसमें, तो वो संख्या जो होगी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको टाइप 2 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स के सवाल बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों ये सवाल जो है ना वो आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए।
हालांकि अभी नंबर सिस्टम के सवाल जो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है ना वो खत्म नहीं हुए, वो अभी आगे जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना तब आपको बहुत सारे अपडेटेड सवाल भी कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों अभी जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं ना वो आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए कराए जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ चैनल पर अगर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों को पता हो कि AGTE की तैयारी एक्चुअल में इसी चैनल पर होती है, बाकी सब बकवास है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।